हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट एक इवेंट था बेसिकली। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन का सेकंड इवेंट, दैट इज द एम्ब्रायो डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, तो बेटा एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है इट अकर फ्रॉम द जायगोट। ठीक है, तो जायगोट जो सिंगेमी के बाद फॉर्म हुआ था, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था बेसिकली। ठीक है, तो एग सेल कन्वर्ट हुआ था जायगोट के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो यहां जो एम्ब्रायो है, तो एम्ब्रायो इज डेवलप फ्रॉम द जायगोट और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डेवलप होगा। ठीक है, तो जो जायगोट होगा वो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट था वो जायगोट माइटोटिकली डिवाइड करता और माइटोटिकली डिवाइड करके यानी इट विल डेवलप द एम्ब्रायो बेसिकली। ठीक है, तो मोस्टली जो जायगोट्स हैं दे डिवाइड ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। ठीक है, जब तक कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक एम्ब्रायो डेवलपमेंट नहीं होता बेसिकली। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हियर द एंडोस्पर्म सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो बेसिकली। तो जो एंडोस्पर्म्स होगा वो उस जायगोट को एक्टिव करवाने का भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जब जायगोट का एक्टिवेशन हो जाएगा देन द जायगोट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द एम्ब्रायो बेसिकली। दूसरा थिंग्स की एम्ब्रायोनी जो होगा, एम्ब्रायो इन द सेंस अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो, ठीक है, आर सिमिलर, वो दोनों के केस में हमें सिमिलर मिलेगा, मोनोकॉट के केस में भी सिमिलर मिलेगा और ऑलमोस्ट जायगोट डायकोट के केस में भी वो सिमिलर मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेटर जो स्टेजेस होंगे उन स्टेजेस में मोनोकॉट का एम्ब्रायो अलग हो जाता है और डायकोट का एम्ब्रायो अलग हो जाता है बेसिकली। अदरवाइज एम्ब्रायोनी या फिर अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल जो स्टेज है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा बेसिकली। तो इस एंजियोस्पर्म्स का जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट है या फिर हम जो एनसीईआरटी के अंदर जो डिस्कस करते हैं दे आर द डेवलपमेंट ऑफ डायकोट एम्ब्रायो बेसिकली। ठीक है, तो उस डायकोट एम्ब्रायो की कौन कौन सी इवेंट्स होंगी, कैसे कैसे वो डेवलप होती हैं, जायगोट से वो कैसे डेवलप होता है, कौन कौन सी स्टेजेस उसके बीच में आती हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो आज हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट सेकेंड इवेंट जो है, सेकेंड इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट को हम और बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस बेसिकली, जेनेसिस। अगर जायगोट से एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रायो जायगोटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट सोमेटिक सेल से भी हो सकता है। ठीक है, अब चाहे सोमेटिक सेल, चाहे रूट का सेल हो, चाहे वो लीफ का सेल हो, चाहे स्टेम का सेल हो, उससे भी उस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो उस टाइप के एम्ब्रायो को बोलते हैं हम सोमेटिक एम्ब्रायो और उस फिनोमिना को बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस बेसिकली। ठीक है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस इफ एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम सोमेटिक सेल, from somatic cell, then the embryogenesis is known as, then the embryogenesis is known as somatic embryogenesis, somatic embryogenesis. एम्ब्रायोजेनेसिस तब हम उसको बोलेंगे क्या, सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, लेकिन यहां पे हम जायगोट से एम्ब्रायो डेवलपमेंट देख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस बेसिकली। तो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होगा कि इट डेवलप्स टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रायो डेवलप्स टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल साइड जो माइक्रोपाइल है उस माइक्रोपाइल साइड की तरफ डेवलप होगा बेसिकली। इट डेवलप्स फ्रॉम जायगोट बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजंस, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स।
ध्यान रखना यहाँ पे डिविजन कौन सा हो रहा है, माइटोटिक, ठीक है। अब वो माइटोटिक डिविजन या तो ट्रांसवर्सली हो या फिर पेरिक्लिनर हो या फिर वो एंटीक्लिनर डिविजन हो बेसिकली, लेकिन वो डिविजन कौन सा होगा, माइटोटिक डिविजन बेसिकली। तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा कब से, जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली जो जायगोट्स हैं दे डिवाइड्स ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म विच प्रोवाइड द अश्योर्ड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। तो मोस्टली जायगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड assured nutrients basically, nutrients to developing embryo, उस developing embryo के nutrition supply करने का काम करता है कौन, endosperm, ठीक है। तो जब जिस दिन मैं double fertilization बता रहा था आपको, तो वहां मैंने आपको double fertilization का significance भी बताया था। तो उसमें रीजन क्या था, उस वहाँ सिग्निफिकेंस क्या था बेसिकली, कि जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजर होगा जैसे एंडोस्पर्म डेवलप होता है, ठीक है, तो वो एंडोस्पर्म उस एम्ब्रायो की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। कैसे रेगुलेट करने का काम करता है, एंडोस्पर्म सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। तो अगर उस जगह पर डबल फर्टिलाइजर नहीं होता तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट भी उस जगह नहीं होता बेसिकली। तो वही लिखा है मोस्टली जायगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म विच प्रोवाइड द अश्योर न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। तो एम्ब्रायोजेनी जो होगा मोनोकॉट एंड डाइकॉट के केस में एम्ब्रायोजेनी ऑलमोस्ट कैसा होगा, सिमिलर है बेसिकली। एम्ब्रायोजेनी का मीनिंग क्या है, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायोजेनी। तो एम्ब्रायोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, सिमिलर इन बोथ बोथ मोनोकॉट कॉट एंड डाइकॉट बेसिकली। तो ऑलमोस्ट कैसा है वो, सिमिलर, लेकिन लेटर स्टेजेस जो होंगे उस टाइम क्या होता है, मोनोकॉटिक एम्ब्रायो अलग डिफरेंशिएट हो जाता है और डाइकॉट एम्ब्रायो अलग टाइप से डिफरेंशिएटेड हो जाता है बेसिकली। या मोनोकॉट और डाइकॉट का मीनिंग क्या है, सिंगल कॉटिलेडन्स, अगर एम्ब्रायो लीफ अगर सिंगल होता है उसके पास, एम्ब्रायो के पास, तो उसको तो बोलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रायो, मोनोकॉट एम्ब्रायो बेसिकली। लेकिन अगर एम्ब्रायो के पास दो एम्ब्रायनल लीफ प्रेजेंट है तो दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रायो बेसिकली। तो उनका जेनेसिस एम्ब्रायोजेनी जो होगा ना, उनका एम्ब्रायोजेनी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज पे क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ डाइकॉट का एम्ब्रायोजेनेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। इन डाइकॉट जायगोट गिव राइज प्रोएम्ब्रायो एंड सब्सिक्वेंट द ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो, मैचर एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। तो उसका जायगोट डिवाइड करके लिए क्या है, वो डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस करेगा, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ड शेप्ड स्टेज और मैचर स्टेज में आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेज और कैसे कैसे डेवलप होगा उसको हम एक डायग्रामेटिक हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ कैसे वो डेवलप होगा बेसिकली, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स के अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है।
इसमें यहाँ ये डीजनरेटेड सिनर्जिड्स है, दे आर डीजनरेटेड सिनर्जिड्स, डी जनरेटेड सिनर्जिड्स, ठीक है। जबकि इस इधर की साइड माइकोपालर एंड की तरफ, सॉरी दे आर डी जनरेटेड एंटीपोडल्स, डी जनरेटेड एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ठीक है। जबकि इधर दे आर डी जनरेटेड सिनर्जिड्स, डी जनरेटेड सिनर्जिड्स, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था बेसिकली, जबकि ये चीज ये रीजन जो था वो चलाजल एंड की तरफ, तो एंटीपोडल सेल्स प्रोजेक्ट टुवर्ड द चलाजल एंड और डीजनरेटेड सिनर्जिड्स जो होंगे प्रोजेक्ट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड बेसिकली। तो यहाँ डीजनरेटेड सिनर्जिड्स के बीच में एग सेल प्रेजेंट था जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में कन्वर्ट हुआ था बेसिकली, दिस इज जायगोट, दिस इज जायगोट, जायगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल इज कन्वर्टेड इनटू जायगोट। बीच में जो रीजन था जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, दिस न्यूक्लियर वॉज द पैन, इस न्यूक्लियस को बोला था क्या, दिस न्यूक्लियस इज नोन एज द पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो पेन जो है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का था, हम डबल फर्टिलाइजेशन में देखा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूज होता है वन मेल न्यूक्लियस के साथ, तब पेन डेवलप होता था वो, ठीक है। और पेन जो होगा इट प्लेज द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये डेवलप करेगा क्या, एंडोस्पर्म, जो हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और एंडोस्पर्म जो होगा इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म बताया था कि न्यूट्रिटिव टिश्यू था, न्यूट्रिटिव टिश्यू विच सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द विच सप्लाई न्यूट्रिशन टू, न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता। तो बड़ा सेल जो है यहाँ पे दैट इज द पैक, इसको बोलते थे क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बेसिकली, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंडोस्पर्मिक सेल, 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 ठीक है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद ये चीजें बचता था उसके अंदर, ये एंटीपोडल्स डिजनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड्स इधर से डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ बचेगा कौन, इसके अंदर पेन बचेगा और जायगोट बचता है। तो यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो था वो फॉर्म कर रहा था एंडोस्पर्म को, ठीक है, डिविजन लेके लिए। और एंडोस्पर्म जो है इट सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द जायगोट बेसिकली, तो ये एंडोस्पर्म जो होगा इट सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द जायगोट, रिजल्टेंट जायगोट गेट एक्टिव, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट बेसिकली, तो एक्टिवेट होके इट गेट एनलार्ज, ठीक है। तो जायगोट से कैसे वो डिफरेंट एम्ब्रायनल स्टेज बनता है उसको मैं यहाँ आपको बाहर बता रहा हूँ बेसिकली। तो इस जायगोट को मैं आउटर साइड ले रहा हूँ, ये जायगोट, दिस इज द जायगोट बेसिकली, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेके नहीं, दिस जायगोट गेट एक्टिवेट एंड एनलार्ज, ठीक है। तो जायगोट जो होगा वो जायगोट न्यूट्रिशन लेके नहीं एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर एलोंगेट होके नहीं इट डिवाइड्स, ठीक है, एंड इट डिवाइड्स इन अपर एंड लोअर सेल बेसिकली। मैं सब यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, मैं जायगोट एक्टिवेट एंड एलोंगेट्स एंड डिवाइड टू एंड
डिवाइड टू फॉर्म अपर एंड लोअर सेल, अपर एंड लोअर सेल बेसिकली, ठीक है। तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक अपर सेल बनेगा और एक लोअर सेल बनेगा, ठीक है। तो ये तो होगा लोअर सेल, लोअर सेल, और ये होगा अपर सेल, अपर सेल बेसिकली, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो जायगोट जो है, तो जायगोट डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके उसने दो सेल का फॉर्मेशन किया, एक तो लोअर सेल है और एक अपर सेल है। तो लोअर सेल जो होगी वो तो प्रेजेंट होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जबकि अपर जो सेल होगी एक प्रेजेंट टुवर्ड द चलाजल साइड बेसिकली, वो एंटीपोडल सेल्स की तरफ प्रेजेंट होगा बेसिकली। तो यार ये जो सेल है अपर सेल जो है इट प्रेजेंट टुवर्ड द चलाजल साइड बेसिकली, जबकि लोअर सेल जो होगी इट प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड बेसिकली। लोअर सेल प्रेजेंट टुवर्ड, प्रेजेंट एट, प्रेजेंट टुवर्ड्स सिनर्जीज, ठीक है। इट डिवाइड टू फॉर्म सिनर्जीज, इट डिवाइड डिवाइड्स टू फॉर्म, टू फॉर्म सस्पेंसर, सस्पेंसर वो सस्पेंसर बनाएगी बेसिकली। तो बेसल लोअर जो सेल होगी इसको हम बेसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको एम्ब्रायनल सेल भी बोलते हैं बेसिकली, लोअर सेल और बेसल सेल सेल, ठीक है। जबकि ये जो सेल अपर सेल जो होगा इट इज एपिकल सेल और एम्ब्रायनल सेल भी इसको बोलते हैं बेसिकली, एम्ब्रायनल सेल ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेस अगर हम लोअर सेल्स का बात करें या फिर बेसल सेल्स का बात करें, ठीक है, तो वो माइक्रोपाइलर एंड की तरह प्रेजेंट होगा। दूसरा थिंग जब वो डिवाइड करेगा तो डिवाइड होकर नहीं इट विल फॉर्म द सस्पेंसर बेसिकली, और सस्पेंसर का जो फॉर्म होगा वो यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शन में होगा बेसिकली, ठीक है। तो लोअर सेल इट डिवाइड टू फॉर्म द सस्पेंसर, डिवीजन इज, डिवीजन इज इन, इज इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, वन डायरेक्शन। दूसरा थिंग इसकी डिवीजन जो होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, डिवीजन इज ट्रांसवर्स, डिवीजन इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से क्या होगी चेन की फॉर्म में सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में सेल का फॉर्मेशन होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये तो इन लोअर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, या बेसल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जबकि अपर सेल जो होंगी, अपर सेल्स जो होंगी बेसिकली ये प्रेजेंट होंगी, दे प्रेजेंट टुवर्ड द एंटीपोडल्स और चलाजल साइड, प्रेजेंट टुवर्ड्स चलाजल साइड और एंटीपोडल साइड, और एंटीपोडल्स साइड और साइड प्रेजेंट होंगी। तो अपर सेल जो होगी दे डिवाइड रिपीटेडली, डिवाइड रिपीटेडली, रिपीटेडली एंटीक्लिनली एंड पेरिक्लिनली, पेरिक्लिनल क्लिनली टू एंटीक्लिनली एंड पेरिक्लिनरी बेसिकली टू फॉर्म एट सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, सेल स्टेज विच अरेंज इन, विच अरेंज इन टू टायर, इन टू टायर जो कि टू टायर के अंदर अरेंज होंगी बेसिकली, ठीक है। और टू टायर कौन कौन से
एपिबेसल एंड सेकेंड इज हाइपोबेसल, हाइपोबेसल बेसिकली ये टू टाइप्स में अरेंज होगी, ठीक है। एपिबेसल जो सेल्स होंगी दे गिव राइज, दे गिव राइज, गिव राइज कॉटलेडिंस, कॉटलेडिंस एंड ग्लैन्यूल, ठीक है। और ग्लैन्यूल जो होगा ना वो शूट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्स शूट, शूट, ठीक है। जबकि हाइपोबेसल जो टायर होगा, ठीक है, इट गिव राइज, इट गिव राइज, गिव राइज रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल ये रीजन बनाएगा बेसिकली, ठीक है। तो जो लोअर अपर सेल जो होंगी ना, या फिर एपिकल सेल जो होंगी, या फिर एम्ब्रानल सेल जो होंगी, वो रिपीटेड डिविजन्स लेगा। अब रिपीटेड डिविजन्स भी वो पेरिक्लिनली डिवाइड करेगा एज वेल एज एंटीक्लिनली डिवाइड करता जाएगा, जिसकी वजह से क्या है इसका शेप साइज बढ़ता जाएगा, इन सेल्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा, एज वेल एज उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो और इसी सेल से फर्दर डेवलप होंगे ग्लोबुलर शेप स्टेज एंड हर्ट शेप स्टेज बेसिकली, ठीक है। तो ये पेरिक्लिनरी और एंटीक्लिनरी डिवाइड एक एट सेल स्टेज बनाएगा, और उस एट सेल स्टेज के अंदर जो सेल्स होंगी वो टू टायर के अंदर अरेंज है, एक वन टायर इज द एपिबेसल एंड सेकेंड टायर इज द हाइपोबेसल बेसिकली, ठीक है। तो हाइपोबेसल जो पार्ट होगा वो तो बनाएगा क्या, रेडिकल और हाइपोकोटाइल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पूछता है कई बार कि एम्ब्रायो का हाइपोकोटल पार्ट जो होगा ना वो क्या बनाएगा बेसिकली, या हाइपोबेसल जो पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, तो आंसर विल बी द रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। जबकि एपिबेसल जो पार्ट होगा ये बनाएगा कॉटलेडिंस एंड ग्लैन्यूल। अब कॉटलेडिंस क्या होती है, इनको हम एम्ब्रायोनल लीफ भी बोलते हैं, दे आर एम्ब्रायोनल लीफ, लीफ बाय चांस पूछ लेता कि कोई कॉटलेडिंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉटलेडिंस इज द एम्ब्रायोनल लीफ, तो यहाँ सेल्स टू टू टाइप्स के अंदर अरेंज, एपिबेसल और हाइपोबेसल, ठीक है। तो कंटिन्यूस जो डिवीजन है लोअर सेल के अंदर वो तो सस्पेंसर बना रहा है, ठीक है, जबकि अपर सेल के अंदर कंटिन्यूस डिवीजन जो होगा, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस बनाएगा एम्ब्रायो, चाहे वो ग्लोबुलर शेप एम्ब्रायो हो, चाहे वो हर्ट शेप एम्ब्रायो बेसिकली। लोअर सेल जो होंगे ना, लोअर सेल वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, यस, तो बेसल सेल भी बोलते हैं, बेसल सेल और लोअर सेल, बेसल सेल सेल कंटिन्यू डिवाइड, कंटिन्यू डिवाइड, डिवाइड टू फॉर्म सस्पेंसर, सस्पेंस सर्विस टू फॉर्म सस्पेंसर, ठीक है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ठीक है, दे आर द सस्पेंसर। सस्पेंसर तो यहां देखो सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो लीनियर फॉर्म में, तो इन द सेंस डिवीजन कैसा हुआ है, वो ट्रांसफर डिवीजन होता गया, जिसकी वजह से क्या है लीनियर अरेंज होता गया सेल्स का बेसिकली। तो इसका फर्स्ट जो सेल है या फर्स्ट सस्पेंसर जो है इट बिकम एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की न्यूसिलस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने से पर्पस से डेवलप हो गया कौन, ये फर्स्ट सस्पेंसर जो है विच इज नोन एज द पोस्टीरियर, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोस्टीरियर बेसिकली, ठीक है, बोल दिया क्या पोस्टीरियर। तो है क्या, है फर्स्ट सस्पेंसर है, इट इज फर्स्ट सस्पेंसर, सस्पेंसर प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइल, प्रेजेंट टुवर्ड माइक्रोपाइल, वो माइक्रोपाइल की तरह प्रेजेंट, प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइल, इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूसिलस, it is absorptive, absorptive cell,
विच एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, विच एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूसिलस, जो बाहर की साइड न्यूसिलस प्रेजेंट है वहां से उस न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। और सस्पेंसर जो होंगे वो सस्पेंसर एम्ब्रायो को फर्दर एंडोस्पर्म्स के अंदर पुश करने का काम करता है कि जैसे जैसे सस्पेंसर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करके एम्ब्रायो जो होगा ना वो एंडोस्पर्म्स के अंदर एम्बेडेड होता जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो सस्पेंसर का काम क्या है, सस्पेंसर दे पुश द एम्ब्रायो, पुश द एम्ब्रायो इन एंडोस्पर्म। और सस्पेंसर दे है लीनियर अरेंजमेंट है सेल्स का, तो यहां लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑफ सेल्स बेसिकली। तो इसका फर्स्ट टर्मिनल जो सेल है, फर्स्ट सेल जो है उसको बोल दिया जाए होस्टेरिया बेसिकली, ठीक है। तो होस्टेरिया जो होगा ना इधर की साइड वो माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट है, जबकि इधर की साइड जो होंगे वो चलाजल एंड है, ठीक है। तो ये तो बात था बेसल सेल ने जब डिवीजन किया था उसने ये सस्पेंसर्स बनाए बेसिकली, ठीक है। दूसरा चीज कि जो सस्पेंसर एम्ब्रायनल सेल की तरफ प्रेजेंट है, सस्पेंसर विच प्रेजेंट टू द एम्ब्रायनल सेल इज कंसीडर्ड एज, इट इज नोन एज द हाइपोफाइसिस बेसिकली। और हाइपोफाइसिस जो होगा इट डेवलप्स द रूट अपेक्स ऑफ रेडिकल अपेक्स बेसिकली। तो सस्पेंसर का फंक्शन समझ में आ गया, होस्टेरिया का आपको फंक्शन समझ में आ गया उसी का, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि जब ये बेसल सेल या जब ये एपिकल सेल या एम्ब्रायनल सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इट गिव राइज द डिफरेंट शेप ऑफ द एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। तो वो ग्लोबुलर शेप भी एम्ब्रायो बनाएगा, वो हेड शेप एम्ब्रायो भी बनाएगा और मैचर एम्ब्रायो भी कन्वर्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो द कंटिन्यूअस डिवीजन इन एम्ब्रायनल सेल, ये एम्ब्रायनल सेल है एम्ब्रायोनल सेल, और इसको एपिकल सेल भी बोला है एपिकल सेल, ठीक है, और इसको अपर सेल भी बोला है अपर सेल बेसिकली, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस डिवाइड करेगा एम्ब्रायोनल सेल डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, divides repeatedly, ठीक है, to form globular shaped embryo, shaped embryo basically, embryo, ठीक है। तो ये further जब continuous divide किया embryonal cell तो उसने बनाया कि एक ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो बेसिकली। दिस इज द ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो। तो ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो में जो सेल्स हैं ग्लोबुलर शेप जो एम्ब्रायो एम्ब्रायो, तो यहां इस एम्ब्रायो को ऑब्जर्व करते हैं ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ग्लोबुलर शेप जो एम्ब्रायो है इसके अंदर सेल जो है टू टायर्स में अरेंज है, ठीक है। एक को तो बोला है एपिवेसल और सेकेंड को बोला है हाइपोवेसल बेसिकली, ठीक है। तो यहां जो टर्मिनल की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इनको तो बोलते हैं हम एपिवेसल, एपिवेसल बेसिकली बेसल, ठीक है, जो कि एंटीपोडल सेल्स की तरफ प्रेजेंट होगी। इधर एंटीपोडल्स हैं,
और उधर वो सस्पेंसर्स और माइक्रोपाइलर रीजन था बेसिकली। ठीक है, तो एपिबेसल जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा, इट विल डेवलप द कॉटिलेडंस एंड प्लैनुल्स बेसिकली। ये डेवलप करेगा कॉटिलेडंस को और प्लैनुल्स को बेसिकली। जबकि हाइपोबेसल जो पार्ट है, हाइपोबेसल जो पार्ट है, वो सेल्स जो कि सस्पेंसर की तरफ प्रेजेंट है या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है बेसिकली, उनको बोलते हैं हम हाइपोबेसल सेल। और ये डेवलप करता है रेडिकल को एज वेल एज हाइपोकोटाइल को बेसिकली। ठीक है, डेवलप्स रेडिकल रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, जबकि एपिबेसल डेवलप कर रहा था कॉटिलेडंस एंड प्लैनुल, ये डेवलप कर रहा था प्लैनुल। ठीक है, तो सस्पेंसर का वो सेल जो कि एम्ब्रायनल सेल की तरफ प्रेजेंट है या फिर सस्पेंसर का टर्मिनल वाला सेल जो होगा, दिस इज नोन एज द हाइपोफाइसिस। इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। अब हाइपोफाइसिस क्या है? टर्मिनल सेल है सस्पेंसर का, टर्मिनल सेल ऑफ सस्पेंसर, सस्पेंसर ठीक है, प्रेजेंट टू आर, प्रेजेंट टू आर एम्ब्रायनल सेल, एम्ब्रायनल सेल्स बेसिकली सेल्स। ठीक है, जो कि टू टाइप्स के अंदर अरेंज किए गए, उधर की साइड प्रेजेंट होगा। तो ये डेवलप करता है अपेक्स ऑफ रेडिकल, अपेक्स ऑफ रेडिकल, और उसको रूट कैप भी बोलते हैं, रूट कैप। ठीक है, तो ध्यान रखना रूट कैप डेवलप फ्रॉम द हाइपोफाइसिस रीजन, जबकि रेडिकल डेवलप जो होगा वो होगा हाइपोबेसल रीजन से, कॉटिलेडंस डेवलप होगा एपिबेसल रीजन से, प्लैनुल डेवलप होगा एपिबेसल रीजन से, एंड हाइपोकोटाइल डेवलप होगा एपिबेसल रीजन से बेसिकली। ठीक है, तो दे आर द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द सेल बेसिकली। अब यहाँ एपिबेसल सेल्स जो होंगी वो धीरे धीरे करके नहीं, दो अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करेंगी, या फिर एपिबेसल सेल जो होंगी ना वो कॉटिलेडंस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हार्ट से मेम्ब्रेन डेवलप होगा बेसिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ये सस्पेंसर्स थे और ये पोस्टीरियर ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायन के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रायन। ये हार्ट शेप जो एम्ब्रायन दिस इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रायन, हार्ट शेप एम्ब्रायो, एम्ब्रायो। ये उधर हुई ऑस्ट्रेलिया सेल, दे आर सस्पेंसर्स, सस्पेंसर एंड दे आर कॉटिलेडंस बेसिकली, दे आर डेवलपिंग कॉटिलेडंस। ये हार्ट शेप एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कब हुआ है? ड्यू टू फास्ट डिवीजन ऑफ एम्ब्रायनल सेल, सेल्स और एपिकल सेल्स, सेल्स। द हार्ट शेप एम्ब्रायो, हार्ट शेप एम्ब्रायो विल डेवलप, एम्ब्रायो विल डेवलप, विल डेवलप इन विच कॉटिलेडंस बिगिन टू डेवलप, कॉटिलेडंस बिगिन टू डेवलप, बिगिन टू डेवलप, डेवलप
वो डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैच्योर जब एम्ब्रायो होगा तो उसके पास कंप्लीट कॉटिलेडंस का डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज द मैच्योर एम्ब्रायो, दिस इज द कॉटिलेडंस। तो मैच्योर जो एम्ब्रायो होगा ड्यू टू फास्ट ग्रोथ इन टू लोब्स ऑफ हार्ट शेप एम्ब्रायो, हार्ट शेप एम्ब्रायो टू कॉटिलेडंस विल डेवलप, कॉटिलेडंस का फॉर्मेशन मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ उसका अगर मैच्योर एम्ब्रायो का डायग्राम अगर देखें, ये तो वही हॉस्टेरिया है, ये सस्पेंसर्स है बेसिकली, दिस इज द मैच्योर एम्ब्रायो। ये तो पोस्टीरियर, दे आर सस्पेंसर्स, दे आर रेडिकल, दिस इज प्लेन्यूल and they are the cotyledons basically, cotyledons, yes, ठीक है। तो cotyledons को तो हम embryonal leaf बोलते हैं, जबकि radicals जो होंगे they develops root, will develop the root, ये further जब germination होगा seed का, ठीक है, तो seed के अंदर तो embryo present है, ठीक है, तो इस embryo का germination होता है basically, तो उस सीड के जर्मिनेशन के टाइम या एम्ब्रायो के जर्मिनेशन के टाइम होता क्या है कि रेडिकल्स को डेवलप करेगा रूट को, विल डेवलप रूट, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, जबकि प्लैन्यूल जो होगा ना वो डेवलप करेगा, प्लैन्यूल विल डेवलप शूट, शूट। तो किसी प्लांट के पास दो ही पार्ट होता है, एक रूटेड पार्ट होता है, शूटेड पार्ट होता है, इसी को ठीक है ध्यान रखना, रूटेड शूटेड जो पार्ट है डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रायो, ठीक है। तो दिस ओवरऑल फिनोमेना इज नोन एज द एम्ब्रायो जेनेसिस बेसिकली, ठीक है। जैसे कि हमने पूरा डिस्कस किया है कि एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है वो जायगोट से डेवलप हो रहा है, जो कि प्रेजेंट था माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसिकली। तो जायगोट जो होगा वो एक्टिव होगा एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेने के बाद, ठीक है, और एलोंगेट होगा, और एलोंगेट होके नहीं वो क्या है अपने आप को डिवाइड करेगा, तो दो सेल बनाएगा, एक तो लोअर सेल होगा और एक अपर सेल जो होगा, तो अपर सेल जो होगा रिप्रेजेंट टू आर द एंटीपोडल्स, ठीक है, या चला जल एंड, जबकि लोअर सेल जो होगा रिप्रेजेंट टू आर द माइक्रोपाइलर एंड बेसिकली, ठीक है, ये अपर सेल, ठीक है। तो अब इन सेल्स का डिवीजन होता है फर्दर, लोअर सेल्स का और अपर सेल्स का, अपर सेल को एम्ब्रायनल सेल भी बोल रहे थे, ठीक है। तो पहले हमने देखा बेसल सेल का डिवीजन कैसे हुआ है, तो बेसल सेल जो है ना वो रिपीटेडली डिवाइड किया, उसका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ बेसिकली, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होके नहीं, उसने क्या चेंबिफॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट टर्मिनल सेल्स है, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज द होस्टूरिया, उसको बोला था क्या होस्टूरिया बेसिकली, ठीक है। तो होस्टूरिया जो था ना वो एक एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर था, वो एनलार्ज हो जाता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के पर्पज से बेसिकली, ठीक है, तो जो कि न्यूशिलस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि सस्पेंसर जो थे वो उस एम्ब्रायो को, इस ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो ना उसको एंडोस्पर्म्स के अंदर पुश करने का काम करेंगे, जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट ग्रो करती जाएंगे वैसे वैसे करके ये जो एम्ब्रायो एंडोस्पर्म्स के अंदर एंटर करता जाएगा, तो एंडोस्पर्म से वो न्यूट्रिशन लेता जाएगा और अपने आप को डेवलप करता जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो फर्दर इसके दो पार्ट्स यहाँ पे टू टायर्स में अरेंज थे, एक को तो एपिबेसल रीजन बोला था जो कि चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट था, एंटीपोडल्स की तरफ प्रेजेंट था, जबकि सेकेंड टायर जो था वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट था बेसिकली। तो वहां
एपिबेसल जो पार्ट था वो डेवलप कर रहा था कॉटिलेडंस को एज वेल एज प्लैमिड्स को, जबकि हाइपोबेसल जो पार्ट था ये डेवलप कर रहा था रेडिकल्स को एज वेल एज हाइपोकोटाइल को, बेसिकली उनको डेवलप कर रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एपिबेसल रीजन की जो सेल्स थी वो डिवाइड करेंगी या फिर फास्ट ग्रोथ करेंगी कौन, एम्ब्रायनल सेल्स टू डेवलप द हर शेप मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हर शेप मेम्ब्रेन के अंदर जस्ट कॉटिलेडंस का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा जिसकी वजह से वो हर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना, कंप्लीटली कॉटिलेडंस का डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ। तो कंप्लीट कॉटिलेडंस का डेवलपमेंट तो मैच्योर एम्ब्रायन के पास होगा। ठीक है, तो ड्यू टू फास्ट ग्रोथ इन टू लोब्स ऑफ हर्ड शेप एम्ब्रायन, ये जो दो लोब्स हैं ठीक है हर्ड शेप एम्ब्रायन में, इनके अंदर फास्ट ग्रोथ होगा जिसकी वजह से ये दो कॉटिलेडंस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ड्यू टू फास्ट ग्रोथ इन टू लोब ऑफ हर्ड शेप एम्ब्रायन टू कॉटिलेडंस विल डेवलप बेसिकली। ठीक है, एंड द एम्ब्रायन बिकम मैच्योर एम्ब्रायन, एंड द एम्ब्रायन बिकम मैच्योर एम्ब्रायन, एंड द एम्ब्रायन बिकम मैच्योर एम्ब्रायन। ठीक है, तो मैच्योर एम्ब्रायन के अंदर पार्ट्स देखेंगे तो उसमें पोस्टीरियर प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर का वही फंक्शन होगा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सस्पेंसर प्रेजेंट होंगे वो उसको पुश करने का काम करते थे एंडोस्पर्म्स के अंदर भी, जबकि लीफी जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसके पास दे आर द कॉटिलेडंस। अब ये कॉटिलेडंस जो होती है डाइकॉट के केस में ये फूड को स्टोर करके रखने का काम करती है, तो जब सीड का जब डेवलपमेंट होगा तो उस टाइम ये फूड को ही यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, रेडिकल डेवलप करवाने में, प्लूमियल को डेवलप करवाने में, या शूट को डेवलप करवाने में, रूट को डेवलप करवाने में, तो उस टाइम क्या है इससे जो इन कॉटिलेडंस के अंदर जो स्टोर फूड है उसको यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि डाइकॉट जो एम्ब्रायन होंगे या डाइकॉट सीड जो होंगे उनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचता है, वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को या ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्यूमिनस सीड बेसिकली, या एक्स एल्यूमिनस सीड भी बोलते हैं एल्यूमिनस सीड। जबकि मोनोकॉट जो एम्ब्रायन होंगे ठीक है उनके पास सिंगल लीफ प्रेजेंट होता है, वहां दो कॉटिलेडंस नहीं होते, वहां सिंगल कॉटिलेडंस होता है बेसिकली। ठीक है, जिसको हम स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, तो वहां वो स्कूटेलम जो होगा या फिर सिंगल लीफ जो होगा वो फूड को स्टोर नहीं करता, क्यों, क्योंकि मोनोकॉट्स के पास एंडोस्पर्म बचा रहता है बेसिकली। ठीक है, उसके पास एलिरोन लेयर प्रेजेंट होता है जिसमें फूड स्टोर रहता है। ठीक है, लेकिन डाइकॉट के केस में क्या होगा, यहाँ फूड जो स्टोर होगा ना वो इस कॉटिलेडंस के पास प्रेजेंट होगा। जैसे हम ग्राम का स्ट्रक्चर देखें या पी का स्ट्रक्चर देखें, तो पी चने को अगर तोड़ के देखें या ग्राम को अगर तोड़ के देखें तो उसके दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो किसी भी पल्सेस को अगर देखो तो वो एग्जैक्ट टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पल्सेस के दो टू पार्ट जो है ना दे आर द कॉटिलेडिनस लीफ या एम्ब्रायनल लीफ बेसिकली, जिनको हम बोलते हैं कॉटिलेडंस बेसिकली। ठीक है, तो वही एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, तो उन कॉटिलेडंस के पास क्या है, स्टोर फूड है बेसिकली, जो कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम या एम्ब्रायो के जर्मिनेशन के टाइम यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो दिस ओवरऑल वाज द एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन केस ऑफ डाइकॉट बेसिकली। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं देखेंगे इसके अंदर कि मोनोकॉट एम्ब्रायो के अंदर और डाइकॉट एम्ब्रायो के अंदर क्या क्या डिफरेंस होंगे बेसिकली। तो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो बेसिकली। ध्यान रखना कि एक सीड जो है ना सीड के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें एक मैच्योर एम्ब्रायो प्रेजेंट है। उस एम्ब्रायो के पास दो पार्ट है, एक तो प्लैम्यूल है और एक रेडिकल है। रेडिकल विल डेवलप द रूट एंड प्लैम्यूल विल डेवलप द शूट बेसिकली। ठीक है, एंड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट लीव्स, छोटा प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं बेसिकली। फर्दर नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायन, डाइकॉट जो एम्ब्रायन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो डाइकॉट जो एम्ब्रायन उसमें दो कॉटिलेडंस प्रेजेंट थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है।
दिस इज द डाइपोड एम्ब्रा. सो हियर दे आर द कॉटिलेडन्स. ठीक है, then you, this is the radical. ठीक है, तो डाइपोल जो एम्ब्रायो होगा के पास दो पार्ट्स होंगे, एक तो एम्ब्रायनल एक्सिस होगा और एक कॉटिलेडन्स होगा बेसिकली. डाइकोट एम्ब्रायो कंटेन डाइकोट एम्ब्रायो इंक्लूड्स टू पार्ट्स. उसके पास दो पार्ट है. फर्स्ट इज एम्ब्रायनल एक्सिस, ये जो एक्सिस है दिस इज एम्ब्रायनल एक्सिस. एंड सेकेंड पार्ट इज द कॉटिलेडन्स, ये जो पार्ट है लीफ जो स्ट्रक्चर. सेकेंड इज कॉटिलेडन्स बेसिकली. ठीक है, तो एम्ब्रायनल एक्सिस जो होगा, उस एम्ब्रायनल एक्सिस का अपर पार्ट जो होगा उसको तो बोलते हैं हम क्या, एपिकोटाइल. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडन्स, ये कॉटिलेडन्स जो होगा ना उससे अबव वाला जो पार्ट होगा उसको तो एपिकोटाइल बोलेंगे, या फिर इधर से हाइपोकोटाइल से ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम एपिकोटाइल बोलेंगे बेसिकली. और एपिकोटाइल से ब्लो जो रीजन होगा इज कंसीडर्ड एज द हाइपोकोटाइल. ठीक है, तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल है क्या बेसिकली, वो एम्ब्रायनल एक्सिस के ही पार्ट है. ठीक है, तो एपिकोटाइल जो होगा वो तो पोर्शन है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडन्स व्हिच टर्मिनेट्स इन प्लैम्यूल. देखो यहां से ये टर्मिनेट हो रहा है प्लैम्यूल के अंदर, ये प्लैम्यूल से बेसिकली ये. ठीक है, जबकि हाइपोकोटाइल जो होगा द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायो बिलो द एपिकोटाइल, इस एपिकोटाइल से ब्लो वाला जो पार्ट है इज नोन एज द हाइपोकोटाइल. और ये टर्मिनेट हो रहा है रेडिकल के अंदर, यहां देखो इट टर्मिनेट्स इन रेडिकल बेसिकली. और रेडिकल जो होंगे दे गिव राइज द रूट, ये रूट का फॉर्मेशन करने का काम करेगा. ठीक है, जबकि रूट कैप जो होंगे जो कि हाइपोफाइसिस रीजन से डेवलप हुआ था, ठीक है, दे प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल. जब रूट ग्रो करेगा सॉइल पार्टिकल्स के अंदर तो उस टाइम वो कैप जो होगा, रूट कैप जो होगा वो सॉइल पार्टिकल से प्रोटेक्ट करेगा इस रूट को, ताकि वो सॉइल पार्टिकल उस रूट के जो मेस्टमेटिक रीजन है उसके साथ क्रश ना कर पाए, बेसिकली उनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए. इस वजह से उन्होंने क्या हुआ, रूट कैप डेवलप करके रखा है. ठीक है, प्लैम्यूल जो रीजन होगा इट गिव राइज द शूट, ये शूट का फॉर्मेशन करेगा बेसिकली. ठीक है, जबकि कॉटिलेडन्स जो होंगे वो दो लीफी स्ट्रक्चर से मिक्स स्टोर द फूड मटीरियल. कॉटिलेडन्स क्या है, टू एम्ब्रायनल लीफ, एम्ब्रायनल लीफ बेसिकली दे स्टोर द फूड, स्टोर फूड मटीरियल utilized by embryo, utilizes by embryo during seed germination, seed germination. ठीक है, so this overall structure was the structure of dicot basically. Second is the structure of monopod. Structure of monopod embryo basically. Structure of monopod embryo of monopod embryo. ठीक है, तो मोनोकॉट एम्ब्रायो में यहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन्स मिलेगा, दो कॉटिलेडन्स नहीं मिलेगा, इसी वजह से उनको मोनोकॉट बोलते हैं. मोनो इन द सेंस सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलेडन्स या एम्ब्रायनल लीफ. ठीक है, जबकि डाइकॉट के अंदर दो एम्ब्रायनल लीफ था. ठीक है, ठीक है, तो मोनोकॉट जो एम्ब्रायो होगा वो ग्रासेस फैमिली के अंदर मिलेगा और उसके अंदर सिंगल कॉटिलेडन्स जो होंगे दिस इज नोन एज द स्कूटेलम बेसिकली. तो स्कूटेलम जो होगा, ठीक है, इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड, ये एम्ब्रायनल जो एक्सिस है, ठीक है, दिस एम्ब्रायनल एक्सिस उसके वन साइड में प्रेजेंट, लेटर साइड में प्रेजेंट है कौन, ये सिंगल कॉटिलेडन्स व्हिच इज नोन एज द स्कूटेलम बेसिकली. ठीक है, तो इस एम्ब्रायनल एक्सिस का लोअर पार्ट जो होगा, दिस इज लोअर पार्ट, इट इंक्लूड्स रेडिकल एंड रूट कैप.
विच इज सराउंडेड बाय कॉरियोराइजा बेसिकली। ठीक है, तो एम्ब्रान एलेक्सिस इट्स लोअर एंड हैव रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोजेस इन अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड एज द कॉलियोराइजा बेसिकली, इसको कॉलियोराइजा बोला गया है। तो यहाँ पे रेडिकल तो डेवलप कर देगा रूट को, जबकि रूट कैप जो होगा ठीक है वो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है रूट को। ध्यान रखना यहाँ पे दो कैपिंग है, दो टाइप से प्रोटेक्शन है, एक तो क्या है कॉलियोराइजा के थ्रू है, दूसरा रूट कैप के थ्रू है बेसिकली। ठीक है, ये तो लोअर पार्ट का बात आ गया एम्ब्रायनल एक्सिस का, जबकि अपर पार्ट अगर हम देखें एम्ब्रायनल एक्सिस का ठीक है, तो द अपर पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस इज द एपिकोटाइल, जिसको बोला है क्या एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल हैविंग शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डियल बेसिकली। ये एपिकोटाइल पार्ट जो है ये एपिकोटाइल से अबव जो पार्ट है द अपर पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस, जिसको हमने एपिकोटाइल बोला है, इट इंक्लूड्स द रूट अपेक्स, इट इंक्लूड्स द शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डियल। यहाँ पे लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी जिसको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया बेसिकली, जिनको एनक्लोज करके रखता है ये हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज द कॉलियोटाइल बेसिकली। तो कॉलियोटाइल क्या है, इट इज हॉलो फॉलियर, फॉलियर अंदर लीफी स्ट्रक्चर होगी, तो फॉलियर स्ट्रक्चर विच एनक्लोज द फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया बेसिकली। ठीक है, तो शूट अपेक्स जो होगा वो शूट डेवलप करवाने का काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो दिस ओवरऑल इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपोड एम्ब्रा बेसिकली। तो मोनोपोड जो एम्ब्राज होंगी दे आर फाउंड इन केस ऑफ द मोनोपोड फैमिलीज और मोनो और ग्रासेस फैमिलीज। ठीक है, लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया, ठीक है, इसके अलावा शुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, तो उनके केस में हमें कहा मोनोपोडिक एम्ब्राज मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि मोनोपॉड किस वजह से, मोनोपॉड किस वजह से बोला, ड्यू टू द सिंगल कॉटरिडेंस प्रेजेंस, दैट इज द स्कूटेलम। ठीक है, तो यहाँ दो कॉटरिडेंस नहीं है एम्ब्रायो के पास। ठीक है, तो अगर दो होते तो इसको डाइकॉटिक एम्ब्रायो बोलते, लेकिन यहाँ पे सिंगल कॉटरिडेंस है दैट इज स्कूटेलम, दैट्स व्हाई इट इज द मोनोकॉटिक एम्ब्रायो बेसिकली। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द एम्ब्रायोजेनेसिस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रायो बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स बेसिकली। थैंक यू।